अपने जो बॉलीवुड के फेमस सिंगर यही है।, है उनका अच्छा ये घर उनका ही है हाँ, यही जन्म स्थान है उनका हाँ। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये उदित नारायण जी का घर हम लोग को उम्मीद है हाँ। बगल के हैं पड़ोसी हैं चाचा लगते हैं तो हाँ। हम लोग भी कई बार उनको बोले भी हैं तो यहाँ पे अपना जल्द से जल्द एक छोटा सा भी घर मंदिर की तरह बना हम लोग देखे बिल्कुल मने दो हजार अठारह में भी हमारे यहाँ पे जग हुआ था मंदिर आपने दोस्तों हमारे देश में लगभग 100 से 200 किलोमीटर दूर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे क्या है जो हमारी भाषा है ना वो बदल जाती है हर जगह पे अलग अलग भाषा बोली जाती है पर हम लोगों को जो जोड़ के रखते हैं वो होते हैं बॉलीवुड के गाने तो दोस्तों आज मैं हूँ इस टाइम बिहार में और बिहार के सुपौल ज़िले में मैं हूँ और सुपौल ज़िले का यहाँ पर एक पंचायत है जिसका नाम है बायसी वहाँ पर मैं फ़िलहाल हूँ और गर्मी है जो काफ़ी तेज़ है भाई चिलचिलाट धूप है मेरी जो शकल है वो भी थोड़ी सी मतलब ऐसी हो रखी है बाल वाल भी हैं जो पूरे ख़राब हो रखे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ हमारे बॉलीवुड के जो प्लेबैक सिंगर हैं उदित नारायण जी उनका घर दिखाने वाला हूं और उनका घर जहां पे उनका जन्म हुआ था वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं दोस्तों एड्रेस मैं बता देता हूं आप लोगों को बिहार का सुपौल ज़िला और बाइसी ग्राम पंचायत और वार्ड नंबर दस तो वो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं चलकर हम लोग और दोस्तों यहाँ का जो नजारा है कुछ ऐसा है धान की फसल है चारों तरफ और मौसम है जो काफी धूप है पर बादल एकदम अच्छा है इधर काफी पेड़ हैं इस ऑटो से हम आए हैं काका हमको लेके आए हैं पी काका क्या नाम है आपका गोनर शर्मा गोनर गोनर काका हमको लेके का आए हैं भाई ढाई सौ रुपए में काका का ऑटो लिया है हमने तो चले काका हम लोग चले फिर उधर चलो फिर दोस्तों मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ जैसे कि आप कभी यहाँ पर आते हो ना तो यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है काली स्थान तो ये वो मार्केट है ये देखो ये काली माँ का मंदिर है यहाँ पे और इधर नया मंदिर तैयार हो रहा है तो यहाँ पे आपको आना यहाँ से आपको जैसे मान लो आप रिक्शा वगैरह जो भी है और इधर हम लोगों को चलना है चलिए फिर हम लोग चलते हैं पहुँच गया हूँ उस जगह पे जहाँ पे उदित नारायण जी का जो घर है वहाँ पे है और भाई गांव देखने में एकदम खूबसूरत है भाई मतलब पूरा एकदम हरा भरा है जहाँ भी आप नज़र फैलाओगे तो वहाँ पे आपको हरा भरा दिखेगा और चचा ने छतरी भी ले रखी है साथ में और वो भैया हमने बुलाए हैं तो वो हमें कुछ जानकारी देंगे और घर वगैरह है जो सब दिखाएंगे बाकी सामने घर ये है इसके बारे में हम लोग जानेंगे भैया से तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पर तो हमें भैया मिले भैया क्या नाम आपका भावेश कुमार मिश्रा भावेश कुमार मिश्रा क्या करते हो आप मैं जॉब में हूँ टाटा मोटर्स में जॉब में हूँ गुड अच्छी बात है भैया जैसा कि हमें पता लगा कि यहाँ पे जो उदित नारायण जी अपने जो बॉलीवुड के फेमस सिंगर घर है।, है उनका अच्छा ये घर उनका ही है हाँ यही जन्म स्थान है उनका हाँ तो भैया हमें उनके बारे में बताइए उनकी फैमिली के बारे में उनके बचपन के बारे में कुछ जैसे आपको बताते होंगे आपके यहाँ पे हाँ बचपन उनका यहीं पे गुजरा है ये मतलब मैट्रिक तक यहाँ पे कुनौली से किए हैं पहले तो यहीं पे प्रतापगंज में पढ़ते थे हुँ, हुँ, तो यहीं से इनका पढ़ाई लिखाई हुआ है फिर यहाँ से वो नेपाल गए नेपाल में उनका हुआ ट्रेनिंग वगैरह जो भी था उसके बाद वो यहाँ से मुंबई की तरफ गए वह तो अच्छा है हम लोग के लिए गर्व की बात है जो हम लोग के यहाँ से वो भी घर के बगल से ऐसे अच्छा, महान गायक अच्छा पड़ोसी हो आ, है ना? बिल्कुल पड़ोसी है हाँ। इतने बड़े महान गायक इंटरनेशनल लेवल पे 5000 हजार से ऊपर सॉन्ग दे चुके हैं कई भाषा में तो हम लोग के लिए तो बहुत गर्व की बात है अच्छा भैया मैंने ये सुना है कि जो अपने उदित नारायण जी है हाँ। उनका ये ननिहाल हाँ ननिहाल है उनका जो पैतृक घर है वो भारद्व है ये ननिहाल है अच्छा वो ननियाल में हाँ। वो यहाँ से फिर यहाँ शिफ्ट हो गए थे क्या हुआ? हाँ हुआ था कुछ पहले बाढ़ बाढ़ का कुछ सीन था तो घर थे उनका अच्छा बाढ़ मतलब वहाँ पे बाढ़ आई थी तो वहाँ से यहाँ पे आ गई उनकी फैमिली हाँ। फिर उनका जन्म यहीं पे हुआ है ना? यहीं पे हुआ था यही घर यही अच्छा अभी ये बंद है घर पूरा हाँ बंद है लोग वगैरह अच्छा इसकी देख करता है या नहीं कोई आपको जैसे पता है मेरी भाभी है बूढ़ी है अच्छा उसकी उनकी मम्मी भाभी है हाँ वो तो अभी होगी होगी उनकी काफी बीमार उमार रहती है अच्छा बीमार वगैरह हाँ। भी रहती है हाँ। कितना पुराना होगा भैया आपको अगर पता हो तो ये घर लगभग ये घर तो पहले तो यहाँ पे फूस का घर था हाँ टूट गया है ऊपर से टीना पड़ गया दीवाल उवल पड़ गया हाँ पहले वो जो रहते थे तो फूस के ही घर में थे अच्छा दीवाल कुछ ऊपर डालते हैं छान डालते हैं जो है ना पर डिजाइन यही था सेम उस टाइम पर भी है ना बिल्कुल यही था यही दरवाजा था अच्छा इधर है कुछ उनका देखने के लिए उनका अंदर में कुछ नहीं मिलेगा देखने के लिए इधर नहीं है कुछ, नहीं भी है ना? कुछ भी बाकी बंद है, है, है ये, 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 जो? ये वो आंगन था पहले तो उसमें फसल कौन सी है ये उगरा है ये तो कुछ नहीं है जंगल है ऐसा ही है जंगल है ये फूल बड़े प्यारे लग रहे हैं जंगल है ये तो जंगल इसके पीछे कुछ खेत फिर खेत है बाकी ये आंगन से ले लीजिए हाँ दोस्तों ये देखो घर के पीछे का हिस्सा है हाँ। और बाकी आप लोग देख सकते हैं उदित नारायण जी का जो घर है ये घर था कभी अभी उनका हाँ। अभी तो वो लोग मुंबई में रहते हैं हु, हु, और बाकी यहाँ पे कुछ छोटे में भी आ गए हैं क्या क्या नाम है आप लोगों का अच्छा आपका और आपका स्कूल नहीं गए स्कूल से छुट्टी होकर आ गई अरे क्या बात है तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमें भाई सौभाग्य मिला यहाँ पर आने का बिहार में सुपौल जिले के बाईसी गाँव बाईसी गाँव में और उदित नारायण जी का जो घर है वहाँ भी देखने को हमें मिला और काफ़ी अच्छा लगा काफ़ी दूर भी है आने में बहुत परेशानी हुई थी हमें जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये उदित नारायण जी का घर है और हमें भैया ने बताया कि ये उनका मतलब खुद का जो दादा का गांव होता वो नहीं है ये उनका नाना का गांव है यानी कि मतलब जो उनका गांव था वहाँ पे कुछ बाढ़ वगैरह का सीन हुआ था उसके बाद में वो सब लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए और जो उदित नारायण जी है तो उनका जन्म यहीं पे हुआ और बाकी वो लोग यहीं रहने लगे थे और अभी तो वो सब लोग मुंबई में रहते हैं बाकी देख सकते हो ये उनकी याद में है और इसके पीछे मैंने आप लोग दिखाया इसका पीछे का हिस्सा जो अभी आंगन भी है वहाँ पर काफ़ी खूबसूरत है उस टाइम पर ये घर फूस का था अभी इसके ऊपर लोहे की जो चद्दर होती है वो डाल रखी है पता है ये जो अभी घर है जमीन भी है उन्हीं के नाम से है अच्छा ये घर है जो और जमीन भी अभी उदित नारायण जी के नाम जी से जी, जी 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 हम लोग को उम्मीद है बगल के हैं पड़ोसी हैं चाचा लगते हैं हाँ। तो हम लोग भी कई बार उनको बोले भी हैं तो यहाँ पे अपना जल्द से जल्द एक छोटा सा भी घर मंदिर की तरह बना दे देखे अच्छा कभी उनसे बिल्कुल हज़ार 2018 में भी हमारे यहाँ यहाँ पे जग हुआ था मंदिर आपने देखा होगा यहाँ पे यहाँ पे आए थे प्रोग्राम वगैरह सब कुछ दिए थे हम लोग यहाँ सबके के यहाँ लाए अच्छा, चाय पानी के कितने कितने दिन में आते रहे अभी लास्ट टाइम वही 2018 में आए थे फरवरी में आए थे हाँ उसके बाद नहीं आया नहीं नहीं, नहीं नहीं उसके बाद नहीं आया दोस्तों यहाँ पे ना भाई उमस है ना इतनी ज़्यादा है बहुत ज़्यादा और दोस्तों आप लोगों को मैंने दिखाया जो उदित नारायण जी का जहाँ पर जन्म हुआ था बचपन बीता था ये घर उनके नाना का घर था और आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताना आप लोग वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत अपना ख्याल रखिएगा